अपने प्लान में कामयाब हो गए सीएम योगी और मुर्मू के भोज में पहुंचे अखिलेश के शिवर ओम ने सबको चौंका दिया। वहीं जानिए क्या बोले राजा भैया। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में मुख्यमंत्री आवास पर शुक्रवार को आयोजित रात्रि भोजन में समाजवादी पार्टी कुनबा बिखर गया। इस भोज में पहुंचकर सपा विधायक शिवपाल यादव और गठबंधन के सहयोगी सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सिर्फ चौंका दिया बल्कि भविष्य के गठबंधन की नई सियासत के भी संकेत दे दिए। साथ ही शिवपाल और ओम प्रकाश राजभर की जोड़ी ने सपा को तगड़ा झटका देने का काम किया है। उधर जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने कहा कि द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जाना अहम बात है, इसके लिए पीएम मोदी को धन्यवाद करता हूँ। इसी वजह से भाजपा के साथी दल और जो दल साथ नहीं है वह समर्थन कर रहे हैं। जनसत्ता दल द्रौपदी मुर्मू जी का समर्थन करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से आयोजित इस भोज में भाजपा के सहयोगी अपना दल एस के आशीष पटेल और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की मौजूदगी पहले से ही थी, मगर भोज में पहुंचकर चौंकाया शिवपाल यादव और ओम प्रकाश राजभर ने। वैसे सपा व सुभाषपा के साथ न चलने के संकेत तभी मिल गए थे जब राजभर ने शुक्रवार को सुबह ही मऊ में कहा कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पहले अपने चाचा शिवपाल का वोट राष्ट्रपति पद के विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को दिलाकर दिखाएं। अखिलेश को केवल मुसलमान और यादव ही दिखते हैं, ओम प्रकाश राजभर ने कहा था। दरअसल बृहस्पतिवार को यशवंत सिन्हा के समर्थन में हुई सपा की बैठक में शिवपाल व राजभर को नहीं बुलाया गया था। बीते कुछ दिनों से राजभर की बयानबाजी से नाराज अखिलेश यादव ने संकेत दे दिए थे। स्थिति को भांपते हुए भाजपा ने भी शिवपाल व राजभर से संपर्क करना शुरू कर दिया था, जिसका नतीजा शुक्रवार को देखने को मिल गया था। भोज बैठक के दौरान सीएम योगी ने लगाई विपक्ष में सेंध। राष्ट्रपति चुनाव के लिए यूपी में सर्वाधिक वोट होने के कारण सीएम योगी ने एनडीए उम्मीदवार के समर्थन में बड़ी रणनीति तैयार की थी। उनके प्रयास से दलीय समीर टूट गई और विपक्ष खेमे के बड़े दल भी मुर्मू के समर्थन में आ गए। वहीं राजभर और शिवपाल खिला सकते हैं नया गुल। आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव के बहाने विपक्षी दलों की फूट का असर 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भी दिखने का असर है। सुभाषपा अध्यक्ष राजभर और प्रसपा नेता शिवपाल नया गुल खिला सकते हैं। इस भोज बैठक करने के पीछे बड़ी रणनीति है, द्रौपदी मुर्मू के बढ़ सकते हैं वोट। आपको बता दें कि भाजपा गठबंधन के पास 273 विधायक हैं, वहीं शिवपाल यादव और सुभाषपा के 6 और जनसत्ता दल के 2 विधायक हैं। मत मिलने के बाद संख्या 281 पहुंच जाएगी। सूत्रों के मुताबिक आपको बता दें कि बसपा के एकमात्र विधायक उमाशंकर का भी वोट मुर्मू को मिल सकता है। वहीं इसके अलावा भी बसपा के 10 सांसदों का वोट भी द्रौपदी मुर्मू को मिल सकते हैं। ये रहा सीएम योगी का बड़ा प्लान, जिसमें सीएम योगी हो जाएंगे कामयाब।